दिल दिल्ली मिजाज गालिब सा, दिल दिल्ली मिजाज गालिब सा, आजकल बस यही हाल है मेरा। और बात है पहचान की, तो एक शेर अपने पहचान के ऊपर की, हमसे पूछो ना हमारी पहचान को, हमसे पूछो ना हमारी पहचान कोई, हम आजकल शहर में उनके नाम से पुकारे जाते हैं। तो इसी के साथ चंद आचार्य मेरे कहते हैं ना कि हम लोग जब घर से दूर होते हैं सबसे अधिक कमी खलती है माँ की। महबूब तो खैर आप बात करते हो कॉलिंग वीडियो को, माँ की कमी खलती है। मैं हमेशा घर से दूर रहा हूँ, तो मतलब 7 महीने हो गए मम्मी से मिले हुए। तो एक मतलब शेर है, आप सब इससे जुड़ पाएंगे कि अर्ज क्या है कि किसी घर किसी दफ्तर में नहीं मिलती, किसी घर किसी दफ्तर में नहीं मिलती, अरे माँ तेरी सूरत इस शहर में नहीं मिलती। किसी घर किसी दफ्तर में नहीं मिलती, अरे माँ तेरी सूरत इस शहर में नहीं मिलती, मैं तुझे याद करूँ भी तो कैसे, मैं तुझे याद करूँ भी तो कैसे, गमे जिंदगी में इतनी फुर्सत नहीं मिलती। और इसी के साथ एक गज़ल है बेटे कह के, आज के कलयुग के बेटे होते कैसे हैं उनके ऊपर। तो कुछ यूँ है कि बड़ी देर से हमारा तुम्हारा कर रहे बेटे, बड़ी देर से हमारा तुम्हारा कर रहे बेटे, लगता है ज़मीन का बंटवारा कर रहे बेटे। बड़ी देर से हमारा तुम्हारा कर रहे बेटे, लगता है ज़मीन का बंटवारा कर रहे बेटे। और शेर है कि माँ किसी के हिस्से में आई या नहीं, माँ किसी के हिस्से में आई या नहीं, या फिर माँ से भी किनारा कर रहे बेटे। और कहते हैं ना बेटे जब कमाने लगते हैं बड़े होते हैं, उनको लगता है कि बाप से बड़े हो गए वो, तो बाप पे धौंस दिखाते हैं। तो एक शेर उस पिता के नाम की, अच्छा क्या हुआ, अच्छा क्या हुआ उस बाप के आदर्शों का, अच्छा क्या हुआ उस बाप के आदर्शों का, सुना है दौलत से पलटवारा कर रहे बेटे, बड़ी देर से हमारा तुम्हारा कर रहे बेटे, लगता है ज़मीन का बंटवारा कर रहे बेटे। शुक्रिया। और एक अगर मैंने माँ की बात की और बेटे की बात की, तो बिना सरहद की बात किए, बिना वतन की बात किए, हाँ मोहब्बत की बातें करेंगे वो तो जाहिर सी बातें होगी। तो एक मतलब एक शेर वतन का नाम, कुछ यूँ है कि काम आएगा तिरंगा अब कफन के लिए, काम आएगा तिरंगा अब कफन के लिए, वो कौन थे जो मर गए वतन के लिए। शुक्रिया। काम आएगा तिरंगा अब कफन के लिए, वो कौन थे जो मर गए वतन के लिए। और शेर पे दाद चाहूँगा कि कभी सोचना क्या कर लिया हमने जीकर, कभी सोचना क्या कर लिया हमने जीकर, हथेलियां भी काटी तो जाने मन के लिए। शुक्रिया। और इसी में शेर है कि कई मजबूरियां होती हैं तब कपड़े उतरते हैं, तवायफे यूं नहीं बिकती बस बदन के लिए। शुक्रिया। और इसी के साथ और मैं जहाँ से मुझे याद आता है, हालांकि कुछ प्लानिंग नहीं थी, भाई ने याद किया, आशीष भाई ने, और तो बस चले आए। तो और कुछ ख्याल है मेरे कि कहते ना हम लोग बहुत जज कर लेते हैं किसी के लिखने पे कि मतलब बहर में नहीं है। हालांकि जहाँ तक जो गज़ल लिखते हैं, मैं मानना है गज़ल सीखनी चाहिए, क्योंकि गज़ल की वो विधा है तो आपको बहर आना चाहिए। बट इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप बहर में नहीं लिखते हैं तो आपको बर्खास्त कर दिया जाए मैथिल से कि आप तो हो ही नहीं इस लायक, ऐसा नहीं होता है। तो पहला मतलब उसके ऊपर, बाकी दुनिया समाज की बातें हैं, कुछ यूँ है कि पहले पहल नज़्म की बारीकियाँ देखी जाएंगी, पहले पहल नज़्म की बारीकियाँ देखी जाएंगी, फिर कहीं ख्वाहिशों की सिसकियाँ देखी जाएंगी, पहले पहल नज़्म की बारीकियाँ देखी जाएंगी, फिर कहीं ख्वाहिशों की सिसकियाँ देखी जाएंगी, मैं भी मौन किरदार का यूँ कत्ल होता देखूँगा, मैं भी मौन किरदार का यूँ कत्ल होता देखूँगा,
बाद फिर जल्लाद और रस्सियां देखे जाएंगे। और एक शेर इसी में है कि माय पेन नेम नीरज द पोएट, इसमें एक शेर है कि फंदे से लटके नीर का तमाशा होना लाजमी है, फंदे से लटके नीर का तमाशा होना लाजमी है, देर बहुत देर तक मेरी अस्थियां देखी जाएंगी। तो काफ़ी संजीदा बातें हो गई, थोड़ी प्यार की बातें कर लें। तो दरअसल एक मतलब एक शेर है, नाजुक सी नाजुक है। तो नाजुक शेर में क्या होता है ना, मोच आती है। जनाब जब हम शेर कहते हैं कोई नाजुक सा, तो उसमें मोच कमर में नहीं जुबान पे आती है। तो एक हिदायत है कि जहाँ तक बोलो वहीं तक समझना, उसके बाद अर्थ का अनर्थ होता है। तो मेरी कोई गलती नहीं है, आपके ऊपर छोड़ता हूँ मैं। एक शब्द है आबशार, आबशार का मतलब होता है वाटरफॉल, झरना, ठीक है। तो मतलब शेर यूँ है कि किनारे पर बैठे आबशारों को देखा, किनारे पर बैठे आबशारों को देखा, कल मैंने हुस्न के मछुआरों को देखा, किनारे पर बैठे आबशारों को देखा, कल मैंने हुस्न के मछुआरों को देखा। और शेर है कि और उस जलपरी के कमर का तिल याद, जलपरी मतलब समझते हैं ना, बस फिर, और उस जलपरी के कमर का तिल याद है, आगे देखा न गया तो चांद तारों को देखा। शुक्रिया। और इसी के साथ एक गजल के एक दो शेर, एक शब्द है आप सब ने शायद सुना होगा, यूपी से हैं तो हाय दैया, हालांकि दिल्ली में बड़ा प्रचलित है, कुछ फ बस बोलते हैं। तो यहाँ महफिल है, मैं नाम नहीं लूँगा। फ बस क्या आप समझते हैं, फ बस क्या होता है? तो भैया हम यूपी से बिलोंग करते हैं, यूपी होम टाउन है, धनबाद में पढ़े बड़े हैं और कोलकाता में मास्कॉम किया है, तो हमें तजुर्बा है वहाँ के कल्चर का, वहाँ के टेक्स्चर का। तो एक शब्द है हाय दैया, तो एक मतलब है और दूसरे सुनिए कि कल देखा उनको छुप कर मैं हाय दैया, कल देखा उनको छुप कर मैं हाय दैया, झुमका लाली माथे पे बिंदिया हाय दैया, कल देखा उनको छुप कर मैं हाय दैया, झुमका लाली माथे पे बिंदिया हाय दैया, वो अब भी अपनी जुल्फों से खेला करती, वो अब भी अपनी जुल्फों से खेला करती है, झुकी पलकों में शर्म का बहरा हाय दैया। और इसमें एक और शेर है, हालांकि बहुत सच्चा शेर है, मतलब हमें लगता है कि एज अ गर्ल यहाँ पे दो तीन लड़कियाँ हैं वो समझ पाएंगे हाँ कितना सच्चा है। शेर कुछ यूँ है कि तीखा ना होने पर लड़ना गुपचुप वाले से, तीखा ना होने पर लड़ना गुपचुप वाले से हाय दैया, तीखा ना होने पर लड़ना गुपचुप वाले से हाय दैया, फिर सीसी करके खाते रहना हाय दैया। शुक्रिया।